पूछा है अब माइक बंधन होगा, एक लाइन बाबू वाली हो जाए। महाकाल के पीछे एकदम सब परेशान जब माई गिरजा जी का बियाह हो गया सहेलिया आई तो कही इसका गिरजा कहे नहीं मिलन तो कभी है देखे न रहा है घर बने पहले कपड़ा है बताओ का देख के तुम से बियाह कैल गिरजा जी कहीं देखा जोन कहा खोल खुल के कहा सही से कहा सही ये बतावे रिक्शा वाले कटहला की पावन होती है 21 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छुपे पैलगी बा आप पादनी इस भाव को समझते हुए श्री लाला पाल जी बक्सी मोहड़ा से ही गोविंद पाल जी के मामा जी हैं। एक सौ एक रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छुके पहली बार कहा जरूरत ना आई भी है भाई दीदी मौसी मम्मी हरे सब यही कब भाई है आई तो कहा दू घंटे जाए खुए यार
अब जो ने उपलक्ष में यहाँ सबके दर्शन दीदार करे का मौका मिला वह उपलक्ष में एक लोक गीत हो जाए 10 मिनट के और बाद गोविंद जी के नंबर और आप आदरणीय श्री मंजीत पाल जी 21 रुपए का महान आशीर्वाद गौर चुके कर सैया कौनो दुलाई अपन विरह बतावत मौसम को देखते हुए कवि जी लिखा तहे पाल जी कटहला की पावन धरती से बाबा रिक्शा वाले चाचा जी के द्वारा 21 रुपए का महान आशीर्वाद गोर छुके पहली बार आपके काम में दिन दूना रात चौगुना हो लेकिन बात बात कौन समय के जब राजा मोरंग ध्वज और उनकी रानी आपस में बैठा है धन दौलत कोनो चीज के कमी नहीं बा लेकिन कमी एक चीज के बा कैसे कभी जी
बा ई राहुल भैया खाते बा पचपन बा बा ई पचपन रुपया कम बे में बा बा गोर छुके पहली बार लाख लाख आशीर्वाद के चार बा जब राजा मोरंग ध्वज अपनी रानी के पास बैठे हैं तो रानी कहती हैं ए स्वामी अपने पास कोनो कमी नहीं बा दौलत बढ़िया प्रजा राजपाट सब चीज बा लेकिन एक चीज की कमी बा वो संतान हर एक औरत के सपना होता है कि शादी के बाद एक बार माई जरूर बने लौटन साइकिल मिस्त्री खाया हुआ ना 11 रुपए का महान आशीर्वाद गौर छुके पहली कहन तब कहन प्रभु हमने आज जानी हमका एक संतान चाहिए आज जब याद राजपाट के मालिक है अब याद के बाद बताओ वंश राजपाट के चलाए राजा मोरंग ध्वज विचार करें सोचे तब चल दे छोड़ के चल दिए तपस्या करने के लिए जब जंगल में पहुंचे तो महाराज जी जानते ही है वह बीड़ा टेरत नारायण 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 बस करना आई क्यों नाम होत काहे बुलावत जब नारायण नारायण करत पहुंचे कहे न का राजन कैसे राजपाट छोड़ के बने में का करता है कहे अब स्वामी का बताइए आपका आप तो नारद हैं जिसकी बात कभी रद न हो वही है नारद कटहुला की पावन धरती से आप पालन श्री लाल बहादुर पाल जी 11 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छुके पहली बार यह कहन बताओ का दिक्कत का तकलीफ बा कहन देवर श्री नारद आपका बताओ तहे हमरे लगे ऐसा कोनो चीज ना बा जो उन्हें हमका कमी हुए बस कमी हमका एक चीज के खलत बा कहन कौन चीज कहन हमरे कोनो संतान ना बा कहन तब कहन ये बड़े तपस्या करे बीचे वन में आई बटे हो सके तपस्या से प्रसन्न हो के लड़के का वरदान मिल जाए तो नारद जी कहे नी तपस्या करे लड़किया कहे नी ऐसे लड़किया ना हो इनके कहे के मतलब गलत ना ही भाई कहे का करी प्रभु बतावे कहे ने काम करा घरे जा भंडारा करा अब भंडारा करिया तो तीन जने कन्यौता जिन भेजिया कहे ने के कहे कहन ब्रह्मा विष्णु महेश कहन
देता ना देहा और ये आपका जिम्मेदारी हम आपका देते हैं। कहन बिल्कुल स्वामी हो जाए। आज नारद जी चल रहे न्योता दे, अरे भैया न्योता दे पहुंचे सबका न्योता पठे देन, बस तीनों देवता का ये लगाए दे। अब यार पूरी पकवान जब छनई लाग तो महेक जब पहुंची ब्रह्मा विष्णु जी के लगे तो दोनों देव सोचे पहले आशीर्वाद गोड़ छिके पहली की बात। आप आदरणीय श्री लाल जी पाल चाचा जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छिके पहली की बात। जब पूरी कचौड़ी का सुगंध जब ऊपर पहुंचा ब्रह्मा जी के लगेगा तो कहें का होत बा ए भैया यार। ब्रह्मा जी गए विष्णु के लगे कहे बतावा मृत्यु लोक में भंडारा चलत बा राजा मोरंग भज के घरे है। बतावा हमका जब आपका न्योता ना आए कहन हो इसे कहे भूल बिसर गए कहे लागत है बिसर गए भैया कहे लागत है शंकर जी के लगे जाए परे। अब दोनों जने जब पहुंचे शंकर जी के लगे कहन का नाथ आपके लगे न्योता उता आई बा कि ना कहन कौन चीज एक न्योता कहन मृत्यु लोक में राजा मोरंग भज के घरे भंडारा चलत बा और न्योता आपका ना मिला है कहन ना हमरे लगे तो कौनो न्योता ना आए तो अबे बताए मेहरारू के जात बा भैया कहन मेहरारू के जात नहीं हरे अगर न जावे जाए के पावे जाला महाभारत मचाई दे। इधर कब पहले के जमाना वरहन आज तो जान ले मन से धूप जात बतावत है झूठो सुन ले ससुरारी जाएगी तो जान ले ये घोड़े तैयार रहते लबर चटना होता बारे लबर चटना। आज ब्रह्मा विष्णु महेश जी बिना न्योता के शंकर जी भैया आई गए। ब्रह्मा विष्णु जब पहुंचे शंकर जी कहे हम बिना न्योता के न जाए कहे तो कस है जाए खोद जाए हम न जाए कहीं तक काम कर ही जोग रमावा ध्यान में मस्त रहा हम दू जने